भरूच जिल्लाना जंबूसर तालुका में आवेल दरगाह हजरत गंज शहीद पीर रहमतुल्ला अलियाहिनी दरगाह शरीफ पर अकीदत मंडोनी हाजरी में संदल शरीफ की विधि संपन्न कराई थी। सलातो सलमान पथन अने संदल शरीफ जुलूस स्वरूपे निकलू थू। तलावपुर थी प्रस्थान थे जुलूस हजरत गंज शहीद पीर रहमतुल्ला अलियाहिनी दरगाह शरीफ पर पहुंचू थू। दरगाह शरीफ खाते संदल शरीफ की विधि सैयद मौलाना अहमद जलाल उर्फे गंज शहीद बाबा सैयद सबरा शहीद उर्फे छोटे सरकार साहेब तेमज स्थानिक आलिमोनी उपस्थिति में संपन्न कराई थी। संदल शरीफ प्रसंगे दरगाह शरीफ ने झाकमझोर रोशनी थी शणगारवामां आवी हती। त्यारबाद सलातो सलमानना पथन तेमज फातेहा ख्वानी साथे कार्यक्रम संपन्न थयो हतो। अंतमां समग्र विश्व शांति अने भाईचारो कायम रहे ए माटे विशेष दुआ गुजारवामां आवी हती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। आप सभी हजरात ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ये वलियों का देश है और सूफी संतों का देश है और यहाँ पर जो कुछ अमन शांति और भाईचारे का माहौल रहा है ये सूफी संतों की मेहनतों की वजह से है। उन्हीं सूफी संतों में से एक अजीम सूफी जम्बूसर शहर के सैयद सरकार गंज शहीद बाबा अली रहमा है जिनका आज 795 का उर्स बड़ी शान व शौकत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीम मनाया जाएगा और इस उर्स के साथ साथ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह का भी एहतमाम किया जाएगा और यहाँ पर हर तरह के लोग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले आते हैं और अपनी आस्थाएँ यहाँ से लेकर जाते हैं और सरकार गंज शहीद बाबा अली रहमा से हर कोई अपने तौर पर अकीदत रखता है, मोहब्बत रखता है और मोहब्बतों का सबूत पेश करता है। हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं और खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज के सदके में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति अता फरमाए और भाईचारे का माहौल कायम रहे और सूफी संतों की तालीम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।